नमस्कार इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि पीएम मोदी का 2 दिवसीय काशी दौरा है। पीएम की अगवानी के लिए G20 की तरह सजेगी काशी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किए हैं निर्देश। पीएम 12,110 करोड़ की लागत की 29 परियोजनाओं की देंगे सौगात। तो पीएम मोदी का काशी दौरा है, पीएम मोदी के आगमन को लेकर जो है अब काशी दुल्हन की तरह सजेगी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो पीएम मोदी का 2 दिवसीय काशी दौरा है, काफी अहम ये काशी दौरा उनका माना जा रहा है। पीएम मोदी के अगवानी के लिए G20 की तरह सजेगी काशी। जैसे G20 के वक्त सजाया गया था काशी को दुल्हन की तरह, ठीक वैसे ही पीएम मोदी के आगमन से पहले सजाई जा रही है काशी। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो 12,110 करोड़ की लागत की 29 परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। काशी दौरा काफी अहम है उनका, 2 दिवसीय काशी दौरे पर आने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचे हैं, तमाम जायजा उनकी तरफ से लिए जा रहे हैं। इससे पहले सीएम सचिव भी पहुंचे थे और तमाम जानकारियां उनकी तरफ से ली जा रही है कि कोई कोर कसर ना छोड़े पीएम मोदी के आगमन से पहले। तो पीएम मोदी के आगमन के लिए जिस तरीके से G20 के वक्त पे दुल्हन की तरह काशी को सजाया गया था, ठीक उसी तरीके से इस बार G20 की तरह ही इस बार पीएम मोदी के आगमन से पहले काशी को सजाया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो पीएम की अगवानी के लिए G20 की तरह सजेगी काशी। बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी कर दिए हैं निर्देश। इसी के साथ जानकारी आप तक पहुंचा दें कि पीएम 12,110 करोड़ की लागत की 29 परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं काशी के लोगों को। तो अहम जानकारी, 2 दिवसीय काशी दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हो रही है। आज सुबह 10 बजे ये बैठक होगी, ऑनलाइन बैठक होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक में बोर्ड के सभी सदस्य शामिल होंगे। यूसीसी पर बनाए ड्राफ्ट पर चर्चा होगी और जनता से यूसीसी पर आपत्ति दर्ज कराने की अपील की गई है। तो आज सुबह 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये बैठक होने जा रही है यूसीसी को लेकर, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ये अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में बोर्ड के सभी सदस्य शामिल होंगे। तो अहम जानकारी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की बैठक सुबह 10 बजे ऑनलाइन होने जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है 10 बजे सुबह। बैठक में बोर्ड के सभी सदस्य शामिल होंगे। इसी के साथ जानकारी पहुंचा दे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक होने जा रही है सुबह 10 बजे। यूसीसी पर बनाए ड्राफ्ट पर चर्चा होगी, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। जनता से यूसीसी पर आपत्ति दर्ज कराने की भी अपील की जाएगी इस बैठक में। तो सुबह 10 बजे ये बैठक होगी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये बैठक सुबह 10 बजे होने जा रही है। इसमें तमाम लोग इकट्ठा होंगे और तमाम सदस्य जो है इस कमेटी के आएंगे इस बैठक में, ऑनलाइन के जरिए ये बैठक होगी। तो वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ भिक्षावृत्ति से मुक्त बच्चों को देंगे प्रमाण पत्र। दोपहर 12 बजे सीएम आवास पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रमाण पत्र का वितरण आज किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा बच्चों को शैक्षणिक किट भी वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो
एक सप्ताह पहले आएगी भारतीय पुरुष टीम। तो बता दें आपको कि एक सप्ताह पहले भारतीय पुरुष टीम आने वाली है। महिला टीम भी लखनऊ में करेगी ट्रेनिंग। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां महिला टीम भी लखनऊ में ट्रेनिंग करने वाले। सीएम योगी आदित्यनाथ जारी करेंगे डेविस कप का ड्रॉ, और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये। 15 सितंबर को किया जाएगा समारोह का आयोजन, और ऐसे में पुरुष टीम भी यहां पे आएगी और महिला टीम भी यहां पे उपस्थित होगी। प्रदेश भर में टेनिस खिलाड़ी समारोह में आमंत्रित होंगे तमाम टीमें। बता दें कि काफी महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है, और भारत मोरक्को के बीच 16-17 सितंबर को मुकाबला होने जा रहा है। तो 15 सितंबर को यहाँ पे इकट्ठा होंगे टीमें, और राजधानी लखनऊ में 23 वर्ष के बाद ये मैच खेला जाना है, जो कि काफी अहम माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ जारी करेंगे डेविस कप का ड्रॉ, 15 सितंबर को किया जाएगा समारोह का आयोजन। विजयंत कंट कोर्ट में मैच को लेकर की जा रही है तैयारियां। प्रदेश भर से टेनिस खिलाड़ी समारोह में आमंत्रित होंगे। तो एक सप्ताह पहले भारतीय पुरुष टीम आएगी, और भारत मोरक्को के बीच 16-17 सितंबर को होगा मुकाबला। राजधानी लखनऊ में 23 वर्ष बाद खेला जाएगा मैच, और प्रदेश भर के टेनिस प्लेयर्स को भेजा जाएगा बुलावा। विजयंत कंट कोर्ट में मैच को लेकर की जा रही है तैयारियां, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक हफ्ते पहले आएगी यहां पे भारतीय पुरुष टीम, महिला टीम भी लखनऊ में करेगी ट्रेनिंग। तो 15 सितंबर को किया जाएगा समारोह का आयोजन, और 16-17 को मैच होना है। प्रदेश भर से टेनिस खिलाड़ी समारोह में आमंत्रित होने जा रहे हैं, और बता दें काफी महत्वपूर्ण ये मुकाबला माना जा रहा है। भारत मोरक्को के बीच मुकाबला 16 और 17 सितंबर को होने वाला है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। राजधानी लखनऊ में 23 साल बाद जो है ये मैच खेला जाना है। प्रदेश भर के टेनिस प्लेयर्स को भेजा जाएगा बुलावा, और ऐसे में पुरुष टीम जो है एक हफ्ता पहले यहां पे आ जाएगी, महिला को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। और वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बता दें अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है लखनऊ से, जहां सुभाषपा के साथ गठबंधन के पहले शर्तों पर मंथन होने जा रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद रख रहे हैं नजर। गाजीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी कर रही है विचार, और उपचुनाव में अरुण राजभर पर दांव लगा सकती है बीजेपी। अफजल अंसारी को सजा के बाद खाली हुई है ये सीट, और इसके बाद अब मंथन हुआ जा रहा है, मंथन किया जा रहा है। गाजीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी विचार कर रही है। बता दें कि अफजल अंसारी के बाद ये सीट खाली है, और ऐसे में उपचुनाव में अरुण राजभर पर दांव लगा सकती है बीजेपी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, अफजल अंसारी को सजा के बाद ये सीट खाली हुई है, और ऐसे में जानकारी निकल के सामने आ रही है कि अरुण पे दांव लगा सकती है बीजेपी। तो सुभाषपा के साथ गठबंधन के पहले शर्तों पर मंथन हो रहा है, और ऐसे में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस पे नजर बनाए हुए हैं। उनकी तरफ से पूरी नजर रखी जा रही है, और मंथन किया जा रहा है पहले शर्तों पे। गाजीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी लगातार विचार कर रही है, और बीजेपी विचार कर रही है कि अरुण को ये सीट दिया जाए, दाव लगाया जाए, अरुण राजभर पर दाव लगाया जाए। और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, अफजल अंसारी को सजा के बाद ये सीट खाली हुई थी, ऐसे में विचार विमर्श का दौर अब लगातार जारी है। तो वही महाराष्ट्र की राजनीति से बहुत बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। मौजूदा घटनाक्रम से सीएम शिंदे खुश नहीं है, शिंदे ने राष्ट्रपति के साथ बैठक रद्द कर दी है। तो अहम जानकारी जो चल रहा है सियासी हलचल महाराष्ट्र में, उसको लेकर सीएम शिंदे खुश नहीं है, उनकी नाराजगी निकल के सामने आनी बाकी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि शिंदे ने राष्ट्रपति के साथ होने वाली बैठक जो है वो रद्द कर दी है। तो बता दें कि रविवार से उठापटक जारी है, और ऐसे में ये खबर निकल के सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि सीएम एकनाथ शिंदे खुश नहीं है, जो राजनीतिक उठापटक चल रही है महाराष्ट्र में उससे, और ऐसे में उन्होंने राष्ट्रपति के साथ होने वाली बैठक जो है वो रद्द कर दी है। तो सूत्रों के हवाले से महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे जो कि सीएम है महाराष्ट्र के, वो इस घटनाक्रम से खुश नहीं है, क्योंकि किस तरीके से अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर संजय राउत की तरफ से ये अयोग्य ठहराए जा
सकते हैं एकनाथ शिंदे की तरफ से जो विधायक है, और ऐसे में एकनाथ शिंदे के अंदर जो है वो नाराजगी साफ तौर पे देखी जा रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के राजनीति से ये बहुत अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां शिंदे जो है वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। जो भी घटनाक्रम, जो भी उठापैठक चल रही है महाराष्ट्र में, और इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति के साथ जो बैठक होने वाली थी वो रद्द कर दी है। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है कि सीएम शिंदे जो है वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। बता दें कि रविवार से ये उठापटक चल रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में किस तरीके से सिर्फ 60 मिनट के अंदर जो है विपक्ष से सीधे सत्ता पक्ष में अजीत पवार ने एंट्री कर ली, और ऐसे में एकनाथ शिंदे जो है वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। शिंदे ने राष्ट्रपति के साथ बैठक रद्द कर दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिनकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनकर, जिस चीज का कयास लगाया जा रहा था आखिर वही हुआ, सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के सामने आ रही है कि शिंदे की खुशी जो है वो नहीं दिख रही है। जी बिल्कुल स्वीटी, दर्शकों को बता दें कि अजीत पवार के शामिल होने के बाद ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के लिए महाराष्ट्र की सियासत अब काफी आसान होगी, लेकिन खबर सामने निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से। इंडिया वॉइस के सूत्रों ने बताया है कि शिंदे नाराज चल रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं शिंदे को डर है कि अजीत पवार का जो खेमा बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ गठबंधन में जो जुड़ा है, कहीं ना कहीं ये इससे शिंदे को मुश्किल साबित हो सकती है। आपको बता दें कि जब महाराष्ट्र में कुछ महीनों पहले जब सत्ता परिवर्तन हुआ, उद्धव ठाकरे की शिवसेना बटी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार बनाई, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर और विधानसभा अध्यक्ष को फटकार लगाते हुए यह कहा कि आपने विधायकों को अयोग्य घोषित क्यों नहीं किया। तो स्वीटी, अब ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा और शिंदे को अघोषित कर दिया जाएगा, अयोग्य करार दिया जाएगा। इस वजह से अजीत पवार को बीजेपी ने शामिल कराया है और अजीत पवार को सीएम बना दिया जाएगा और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस होंगे, और कहीं ना कहीं शिंदे को इस बात की आशंका हो चुकी है। इस बात की जानकारी कहीं ना कहीं एनटीओ की थी कि एकनाथ शिंदे जो है वो उनके साथ जो विधायक है वो अयोग्य ठहराए जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने अजीत पवार पर दाव खेला, क्या ये सच है दिनकर? बिल्कुल, बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने वाली थी, क्योंकि कुछ महीनों पहले जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के लिए यह कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता, फ्लोटेस्ट पे गए होते, तो उद्धव ठाकरे शायद मुख्यमंत्री आज भी बन सकते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया, फ्लोटेस्ट पे नहीं गए, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है जब दल बदल कानून लागू होता है, उसके बाद जब फ्लोटेस्ट पे जाता है तो वहां पे दिखाना होता है कितने विधायक आपसे टूट के गए, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दिया, इस वजह से ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। लेकिन शिंदे जो कि अपने 38 विधायकों के साथ बीजेपी के साथ जाके मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके विधायकों को अयोग्य घोषित करा दिया जाएगा, उसके बाद अजीत पवार के पास मौका होगा मुख्यमंत्री बनने का महाराष्ट्र का, जिसको लेकर बीजेपी ने उनके साथ आगे बढ़ने का दाव खेला है। क्योंकि आपको बताते, लगातार बीजेपी इस बात से काफी टेंशन में थी कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जिस तरीके से मजबूती से फ्रंट पे लीड कर रही थी, 48 सीटों में से कम 30 सीटें महाविकास आघाड़ी को जाती हुई दिख रही थी स्वीटी। कमोवेश अगर वही हाल हम देखे बिहार का, तो बिहार के 40 विधानसभा सीटों में कम से कम 25 पे अभी महागठबंधन को बहुमत मिलती दिख रही है, ऐसा शुरुआती सर्वे में निकल कर आया है। ये जो राजभवन से तस्वीरें निकल के सामने आई थी उसमें साफ तौर पे देखा जा रहा था कि एक तरफ जहां दोनों मुख्यमंत्री मौजूद थे तो दूसरी तरफ सीएम जो है वो राज्यपाल के बगल में बैठे हुए दिख रहे थे, उसी समय उनके चेहरे पे वो नाखुशी नजर आ रही थी, तब से ही कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात तो ये है दिनकर कि अगर ये उठापटक हुई और अगर एकनाथ शिंदे के साथ ऐसा हुआ तो उनका आगे क्या होगा? बिल्कुल, यह अहम सवाल है कि अगर इस तरीके से उलटफेर हुआ तो एकनाथ शिंदे का फिर क्या होगा, लेकिन इसके मद्देनजर बीजेपी और अमित शाह लगातार बातचीत करने में जुटे हुए हैं एकनाथ शिंदे से। अभी खबर यह भी सामने निकल कर आई थी कि जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें शिंदे के सांसदों को जगह दी जा सकती है, यानी कि शिंदे को केंद्र में जगह देकर उनको अपने पास रखने की बीजेपी की कोशिश है। क्योंकि आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव होने हैं, जो कि बीएमसी चुनाव किसी भी म्युनिसिपैलिटी चुनाव में सबसे बड़ा चुनाव है पूरे भारत का, क्योंकि अकेले बीएमसी चुनाव का जो फंड होता है स्वीटी वो लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए से ऊपर का है, और उस पे अभी भी कब्जा उद्धव ठाकरे का है।
उद्धव ठाकरे गुट का है, यानी कि बीजेपी चाहती है कि बीएमसी में भी अपनी वो दबदबा कायम करे, जिसके लिए उसको एनसीपी और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए एकनाथ शिंदे गुट को अभी बीजेपी दरकिनार नहीं करना चाहती है, लेकिन नाखुश भी नहीं करना चाहती है। छुट्टी, लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो अजीत पवार जो दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 40 विधायक है, वो 40 विधायकों की परेड तो नजर नहीं आ रही है दिनकर कहीं भी। जी बिल्कुल, अजीत पवार के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं अभी कागजी हकीकत में सामने नहीं आए हैं, क्योंकि एक तरफ जहां अजीत पवार लगातार दावा कर रहे थे कि हमारे पास 40 से प्लस विधायक हैं, लेकिन दो विधायक वापस शरद पवार के पास गए। शरद पवार का दावा है कि जितने भी गए हैं वो जल्द हमारे साथ लौट कर आएंगे। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहा था, आगामी 3 महीने में पूरी पिक्चर बदल देंगे, मैंने पार्टी को खड़ा किया, दोबारा खड़ा करके दिखाऊंगा। लेकिन अहम बात है कि अब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ है कि कितने विधायक उनके साथ है। आपको बता दें, जिस दिन यह उलटफेर महाराष्ट्र की सियासत में हुआ, यानी रविवार को, उसके एक दिन बाद जब अजीत पवार ने बैठक बुलाई, महज 9 विधायक पहुंचे थे। शरद पवार खेमे का अभी भी दावा है कि अजीत के साथ सिर्फ 9 विधायक ही है जो कि मंत्रिमंडल में जगह बना चुके हैं। वहीं अजीत पवार आने वाले समय में देखना होगा दिनकर कि क्या कुछ और नया देखने को मिलता है महाराष्ट्र की राजनीति में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और कांग्रेस विधायक दल की मंगलवार को हुई बैठक में महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के मुद्दे पर चर्चा हुई और राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम के बीच देखो और इंतजार करो की रणनीति अपनाने का फैसला किया गया। एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी कि पहले ये कहा गया था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार के पद से इस्तीफा देने और शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल होने के बाद कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के पद पर दाव पेश करने के मुद्दे पर चर्चा कर सकती है। लीडरशिप में मीटिंग हो गई पार्टी चीफ, इसमें हम सभी शिवसेना के नेता थे, हमारे विधायक थे, हमारे एमपी थे, और जो महाराष्ट्र में और पूरे देश में जो उथल पुथल चल रही है, उसको तोड़ो, उसको फोड़ो, उसको खरीद लो, ये जो राजनीति बीजेपी की चल रही है उसके ऊपर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में उसका क्या परिणाम होगा उसका ऊपर चर्चा हुई, और इस संकट और संघर्ष से हमको कैसे आगे जाना है इस बारे में मार्गदर्शन हुआ। लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा हुई, यूसीसी के बारे में चर्चा हुई, उसकी बात है ना, लेकिन ये कोई नई बात नहीं। पिछले कई सालों में तो हम ये देखते आए हैं, शायद कोई ऐसी रियासत नहीं है जहां पे ऑपोजिशन को तोड़ने की कोशिश नहीं की गई है, और हर पार्टी को कहीं कम कहीं ज्यादा इस चीज के लिए निशाना बनाया गया है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, नॉर्थ ईस्ट हो, हर जगह, कर्नाटका हो, हर जगह हम ये देखते हैं। जम्मू कश्मीर में भी जो पुरानी पार्टियां हैं उनको तोड़ के यहाँ नई पार्टियां बनाई गई जो कि बीजेपी के ज्यादा करीब हैं, तो ये सब जगह यही हो रहा है। अफसोस की बात है, लेकिन ये असलियत। और शंघाई सहयोग संगठन देशों की वर्चुअल शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरने पर शहबाज शरीफ बौखला गए हैं। पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने भारत और मुस्लिमों का नाम लिए बिना कहा है कि घरेलू राजनीतिक एजेंडे का अनुसरण करते हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों को गलत बताते हुए उन्होंने धमकाना नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन इसका इस्तेमाल राजनयिक हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं, एससीओ को, ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग के से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें एससीओ के रेड्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। रेडिकलाइजेशन के विषय में आज जारी की जा रही ज्वाइंट स्टेटमेंट
हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एक्सलेंसी, अफगानिस्तान की स्थिति का हम सभी की सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ा है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।